नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा। गुजरात चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले ही चर्चा में रहा है और कई सारी संभावनाओं को हवा भी दे रहा है। दरअसल कांग्रेस की ओर से गुजरात में चुनाव के प्रचार प्रसार की कमान अशोक गहलोत ही संभाल रहे हैं, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर भाजपा पर हमला बोला है। आत्मविश्वास से लबरेज अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हालत गुजरात में बेहद खराब है। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में पूछे जाने पर गहलोत ने कहा कि परिणाम चौंकाने वाले आ सकते हैं। आगे कहते हैं कि मेरा मानना यह है कि अब ये वक्त ही बताएगा। गहलोत के ऐसे बयान के बाद चर्चा तेज हो गई। गहलोत ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा और सवाल उठाया कि हो सकता है ये भाजपा की मिलीभगत हो कि दोनों एक साथ ऐसा खेल खेल रहे हैं। पर गुजरात को लेकर जिस तरीके से बयान अशोक गहलोत ने दिया है, निश्चित ही भाजपा के खेमे में हलचल तेज हो गई है। गहलोत ने कहा कि गुजरात में भाजपा की हालत खराब है, नहीं तो भला प्रधानमंत्री हर सप्ताह गुजरात क्यों जाते। गहलोत आगे कहते हैं कि अमित शाह ने गुजरात में कैंप लगा रखा है, बड़े बड़े नेता लगातार गुजरात में रैलियां कर रहे हैं। इन सब का नतीजा यह है कि अब परेशानी भाजपा की बढ़ती दिख रही है गुजरात में। खुद प्रधानमंत्री की स्थिति ऐसी है, इसलिए वो बार बार गुजरात जा रहे हैं। ये और ऐसे तमाम बयान भाजपा के लिए अशोक गहलोत ने दिए हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये तमाम जो खेल देश में हो रहा है, ये वो शक्तियां हैं जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, ना केजरीवाल का ना ही मोदी का। ये फासीवादी लोग हैं, उसी रूप में ये देश को चलाना चाहते हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा मानना है कि केजरीवाल झूठे वादे कर रहे हैं, धीरे धीरे वो एक्सपोज होंगे। अशोक गहलोत केजरीवाल पर हमला करते हुए आगे कहते हैं कि केजरीवाल के रूप को सभी ने देख लिया है। शाहीनबाग के धरने के समय धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले केजरीवाल अब गायब हैं। पूरा गणित भाग लगाकर वो चुनाव कैसे जीतूं, सिर्फ इस पर अपना फोकस किए हुए हैं। केजरीवाल और भाजपा दोनों पर अशोक गहलोत जमकर बरसे। देश बहुत समझदार है, ऐसे लोगों को सबक सिखाएगा, ये कहते हुए उन्होंने अपनी बात पूरी की। कांग्रेस की तरफ से गुजरात में बढ़ते आत्मविश्वास को देखकर भाजपा निश्चित ही आशंकित है, चिंतित है। भाजपा के बड़े नेताओं की बंपर रैलियां यहां हो रही हैं, ये बताती हैं कि खेमे में सब कुछ सामान्य नहीं है। 2017 के परिणामों में भाजपा ने सरकार जरूर बनाई थी, लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था। चूंकि इस बार आप भी यानी आम आदमी पार्टी भी गुजरात के सियासी समर में है, ऐसे में भाजपा की चिंता बढ़ना लाजमी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।